कमर्शियल्स का बढ़ता हुआ रुझान हो या बियॉन्ड बॉर्डर इन्वेस्टमेंट, टाइटेनियम एजेंसी लाइफ हमेशा लाए आपके लिए न्यू एंड एक्साइटेड डील्स। फॉर फर्दर डिटेल्स वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोहेब अली राइट अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टाइटेनियम एजेंसी। आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के बहुत अरसे से क्यूरीज आ रही थी कि उनको कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिया जाए जिसके अंदर वो लो इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा हाई गेन ROI में भी और रेंटल में भी इंजॉय कर सके। तो काफ़ी सारा पेपर वर्क करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, मैंने एक वीडियो बनाने का सोचा कि जिसके अंदर मैं डिटेल्ड आपको कमर्शियल्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवा सकूं कि कहाँ कहाँ कमर्शियल्स में आप इन्वेस्ट करके एक अच्छा ROI और एक अच्छा जो है रेंटल इंजॉय कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, चलते हैं हम पहले अपना जो सा पहला कमर्शियल है जो कि लोकेट कर रहे हैं बैरियटाउन लाहौर के मेन कमर्शियल तलहा ब्लॉक के अंदर, जिसका नाम है न्योम 2, जिसके बारे में आपको टाइटेनियम एजेंसी की साइट से डे बाई डे अपडेट करते रहे हैं। तो न्योम 2 राइट नाउ आपको पता है कि ग्रेस सेक्टर में नियर टू रेडी हो चुका है। उसके अंदर अगर हम देखें तो ग्राउंड और जो उनसे बेसमेंट थी वो डेडिकेटेड थी टू वर्ल्ड कमर्शियल्स। उसके अंदर राइट नाउ हमारे पास एक कमर्शियल अवेलेबल शॉप है जिसके ऊपर आप 50% से बुकिंग करवा के एक अच्छा रेंटल इंजॉय कर सकते हैं और उसका पोजेशन विद इन 4 मंथ्स आपको हैंडओवर कर दिया जाएगा। इसके अंदर कमर्शियल की इंपॉर्टेंस इसलिए इतनी ज़्यादा है और इतना पॉजिटिव है कि यही इस एरिया के रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों को एक तरह से पॉजिटिवली अप्रोच देगा और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली आएगा इन द फॉर्म ऑफ रेंट भी और इन द फॉर्म ऑफ ROI भी। सेकेंड मेजर अपडेट अगर हम देखें ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन कमर्शियल्स, तो सेकेंड मेजर प्रोजेक्ट हमारा लोकेट करता है इन द सराउंडिंग ऑफ ऑफल टावर सेक्टर ई में, जिसका नाम है रिजाज। रिजाज बेसिकली डिवेलपर्स हैं दुबई के, जिन्होंने ऑलरेडी दुबई में भी और बैरियटाउन लाहौर में भी अपनी 4 हाइस डिलीवर कर चुके हैं। इसके अंदर अगर हम देखें राइटली तो हमारे पास 4 कनाल का हमारे पास प्रोजेक्ट है, जिसमें 2 कनाल आ रही है हमारे पास पार्किंग स्पेस और 2 कनाल पर इन्होंने बिल्डिंग की है, जिसके अंदर हमारे पास जो सा लोअर ग्राउंड और जो सा है बेसमेंट वो डेडिकेटेड किया गया कमर्शियल्स के लिए। इसके अंदर राइट नाउ अगर हम देखते हैं तो 40% से बुकिंग करवाने के साथ साथ आप इसके अंदर आफ्टर 3 ईयर्स एक अच्छा ROI गेन कर सकते हैं और इसके ऊपर रेंटल अच्छी इनकम इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे एक पोश एरिया होने की वजह से कोई भी जो ब्रांड या आउटलेट इस कमर्शियल के अंदर आ रहा है या कोई भी अपनी जो सी शॉप बना रहा है वो अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक अच्छा वहाँ पे बिजनेस भी क्रिएट कर सकता है अपने लिए भी और एक अच्छी वहाँ से इनकम जनरेट कर सकता है। फर्दर ऑन अगर हम देखें मलिका कफ्तार की तरफ भी लोगों का आजकल काफ़ी इंटरेस्ट है, लोग काफ़ी वहाँ पर बाइंग करना चाह रहे हैं, कोई अपार्टमेंट में तो कोई कमर्शियल्स में। तो वहाँ पर 2 मेजर अपडेट्स हैं हमारे पास राइट नाउ जो उनसे मेन मरी के अंदर लोकेट करें। फर्स्ट वन इज़ दैट HSQ1 जो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रे सेक्टर में कम्प्लीटली रेडी है, उसका राइट नाउ पोजेशन विद इन 4 मंथ्स में है और उसके अंदर राइट नाउ फिनिशिंग का काम काफ़ी स्पीडली चल रहा है। अगर हम उसके लोकेशन को डिफाइन करें तो वो लोकेट करता है मेन जीका गली राउंड अबाउट के पास। जीका गली राउंड अबाउट बेसिकली ये क्रॉसिंग पॉइंट बनता है फॉर नथिया गली बोरबन एक्सप्रेस हाईवे एंड टूवर्ड मॉल रोड। ऐसे प्लेस के ऊपर हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ग्राउंड और मेजोनाइन फ्लोर्स आर डेडिकेटेड टूवर्ड कमर्शियल्स, जिसके अंदर कमर्शियल्स में हमारे पास डिफरेंट साइजेस की डिफरेंट शॉप्स अवेल करवाई गई हैं। आप यहाँ पे अपना बिजनेस कर सकते हैं, ब्रांड आउटलेट में आप कपड़ों से लेके फूड का किसी भी किस्म का काम कर सकते हैं। इन द हब होने की वजह से यहाँ पे किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी को काफ़ी अच्छा पीक मिलेगा। राइट नाउ अगर इसकी बुकिंग देखें तो आप 30% से इसमें बुकिंग करवा के रिमेनिंग अमाउंट 3 ईयर्स के आसान पेमेंट प्लान पे आप कन्वे कर सकते हैं और विद इन 3 ईयर्स आप अपने शॉप के मालिक बन सकते हैं और अपने जो उनका है कमर्शियल उसको भी कमर्शियल एक्टिविटी करके वहाँ पर अपने बिजनेस को स्टैंड कर सकते हैं। सेकेंड मेजर प्रोजेक्ट जो हमारे पास इस टाइम राइट नाउ अवेलेबल है वो है मरी एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर HSQ का सेकेंड पार्ट HSQ प्रीमियर। इसके अंदर राइट नाउ देखें तो इसका 4th फ्लोर का रेंटल कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी भी डेवलपमेंट जो है डे एंड नाइट चल रही है। इसके अंदर हम आपके लिए लाए हैं शेड स्पेसेस ऑफ कमर्शियल्स। मेरे ऐसे क्लाइंट्स जो मल्टीनेशनल कंपनीज को अपना फ्लोर रेंट आउट करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं काम के उनका जो उनसे अभी रेंटल एग्रीमेंट्स वगैरह वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ हो लेकिन वो बजट की वजह से परेशान थे। तो यहाँ पे हमारे पास हॉल्स हैं जिसके अंदर हम चेयर स्पेसेस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको डिफरेंट स्क्वायर फीट से लेकर डिफरेंट स्क्वायर फीट मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक आप उस पर बाई कर सकते हैं और आप किसी भी मल्टीनेशनल ब्रांड के अंदर
अपनी पार्टनरशिप करके उसका रेंटल इंजॉय कर सकते हैं। अगर हम देखें राइट नाउ यहाँ पे 3 फ्लोर्स हैं, लोअर ग्राउंड ग्राउंड और अपर फ्लोर, जिसके अंदर हमारे पास टिम हॉर्टन्स, सीजीएस और केएफसी जैसे मल्टीनेशनल ब्रांड्स ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप इनको साथ काम करते हैं तो आपको पड़ रहा है ऑलरेडी आपके रेंटल भी महफूज हो गई और आपका जो आरओआई है विद टाइम वो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम जनरेट होता जाएगा। और साथ ही इसके आपके यहाँ पे जो उनसे प्रोवाइड किए गए हैं हमारे पास फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स जिसके अंदर रेजिडेंशियल होगी, तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव होगा कि वहाँ पे रेजिडेंशियल एक्टिविटी के साथ साथ कमर्शियल एक्टिविटीज़ दोनों वहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। राइट नाउ थर्ड मेजर फिफ्थ मेजर अपडेट अगर हम देखते हैं जो उनसे चल रही है, वो चल रही है मेरे उन क्लाइंट्स के लिए जो पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइटेनियम एजेंसी ने अपना एक और पॉइंट कंप्लीट किया और एक और इन्होंने अचीवमेंट ली कि ये अपना प्रोजेक्ट हिजाज वालों के साथ दुबई में लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके अंदर बुकिंग तकरीबन 30% से ही चल रही है और वो भी काफ़ी पॉजिटिवली आप तो उसके ऊपर आरओआई भी और रेंटल भी अफोर्ड कर सकेंगे। तो मेरे ऐसे क्लाइंट्स जो किसी भी तरह के कमर्शियल बैरियर टाउन में, मरी में या ओवरसीज़ किसी भी एरिया में बाई करना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे ओवरसीज़ क्लाइंट्स मुझसे IM और WhatsApp पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए और मालूम के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप डे बाई डे आने वाली अपडेट से अपडेट हो सके। अगली वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।